टू वे प्रोसेस है वेयर नेचर शेप सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप्स नेचर हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम रिस्क सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जाना भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में इन डिटेल अब हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क यानी कि मेजर कौन-कौन सी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे किस तरह की रिस्क होती है कैसे सोसाइटीज ह्यूमंस जो होते हैं वो रिस्क पर होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स और कैसे ये सारी चीजें ह्यूमन मेड भी होती हैं और साथ ही साथ में नेचुरल भी होती हैं क्लियर है सो so, बहुत सारे जो है इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लाइक रिसोर्स डिप्लीशन पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन साथ ही साथ में किस तरह से जो है डिफॉरेस्टेशन होता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है कैसे जो है मतलब वो जो आपने सुना होगा ना जेनेटिकली मॉडिफाइंग लिविंग ये सारी चीजें हो रही हैं ये सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओके सो ऑल द रिलेटिव इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल हेजार्ड में वरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कंटेक्स टू कंटेक्स द फॉलोइंग आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज दी मेन वंस वैसे तो सभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जो इंपेक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लुंसिस होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं मतलब कंट्री टू कंट्री वरी करते हैं बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो ग्लोबल है नेचर में मतलब कि पूरे ग्लोब में ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है या हमें देखने को मिलती है उन कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और कैसी प्रॉब्लम सो इन्वाटल प्रॉब्लम्स ओके एक एक करके स्टार्ट करेंगे देखो यहाँ हम जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं लाइक like, अगर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या होते हैं कितने तरह के रिसोर्सेज होते इन सारी चीजों के डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाली हूं अच्छा क्यों नहीं जाने वाली हूं आप? इसलिए क्योंकि आ चुके हैं ये सारी चीजें आपको पता होंगी हाँ मैं रिकॉल आपको कराती चलूंगी सारी चीजें बताती चलूंगी कि ये आपने पढ़ा होगा ये आपको पता होगा कौन सी चीज कैसे होती है लेकिन ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे हमारा काम क्या है कि इन्वॉर्मेंट और सोसाइटी ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है हम उसे डिटेल में समझने वाले हैं ओके और कैसे जो है नेचर सोसाइटी को अफेक्ट करता है कैसे सोसाइटी नेचर को अफेक्ट करती है सारी एज अ होल क्या है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक अच्छा देखो अब सबसे पहले जो हमारी मेजर प्रॉब्लम एंड रिस्क है दैट इज रिसोर्स डिप्लीशन अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है है ना कि जो है रिसोर्सेज होते हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज हो, हो गए साथ ही साथ में जो है और भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से रिसोर्सेज की हम यहां पर बात कर रहे हैं पेट्रोल हो गया आपका डीजल हो गया कोल हो

पेट्रोल है, है डीजल है कैरोसिन है साथ ही साथ में मेटल्स हो गया सिल्वर हो गया एल्यूमिनियम हो गया एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जो सारी चीजें ये कैसी है ये नॉन रिन्यूएबल है आप इन्हें जितना ज्यादा यूज करोगे ये उतनी जल्दी खत्म होती चली जाएगी सन है आप उसको बार बार जो है, री यूज कर सकते हो आप मतलब कि जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है क्यों जो है कम होते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं अच्छा हम जो भी इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं आपको उसे कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड में है कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें सिर्फ इंडिया की रूरल सोसाइटी जहां पर जो है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था जहां पर जो है मतलब एक अपनी इंडीजिन सोसाइटी लेकिन धीरे धीरे पूरा ग्लोबलाइजेशन होता है लिबरलाइजेशन होता है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन जाता है इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है सर्विस सेक्टर एस्टैब्लिश होता है नंबर ऑफ फैसिलिटीज हैं टेक्नोलॉजीज हैं मॉडर्नाइजेशन है वेस्टर्नाइजेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर हो रही हैं पीपल जो हैं वो एडवांस हो चुके हैं एजुकेशन है हेल्थ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक चीज आपको इंडिया में देखने को मिलेगी वैसे ही सभी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज है सोसाइटी को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं डेवलप्ड सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटी एंड बैकवर्ड सोसाइटी बैकवर्ड सोसाइटी जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है डेवलपिंग जिनमें डेवलपमेंट होता चला जा रहा है आर ऑन पाथ ऑफ डेवलपमेंट और डेवलप्ड जो हो चुकी है तो हम जैसे यूएसए वगैरह है तो जैसे अफ्रीका हो गया जनरल आइडिया टाइम पीरियड की हम कैसे बातें कर रहे हैं अब इन्वॉर्मेंटल प्रॉब्लम्स की हम बात करें ठीक है तो है नहीं कि इंडिया का ही बस इन्वॉर्वमेंट पूरे वर्ल्ड में तो मतलब ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आपको क्या मतलब ऐसा तो है नहीं पर इंडिजिनस है सभी जगह है नेचर है इकोलॉजी है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियस इन्वयमेंटल प्रॉब्लम फ्यूज एंड स्पेशली पेट्रोलियम द हेडलाइंस द डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इज इवन मोर रैपिड अब क्या हो रहा है जो नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सभी का बहुत ज्यादा हम जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा इन्हें यूज कर रहे हैं अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं इनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है और इनका खत्म होना इनका डिप्लीट होना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वाटल प्रॉब्लम जस्ट इमेजिन यूर लाइफ विदाउट रिसोर्सेज मान लो वॉटर ना हो मान लो लैंड ही ना हो मान लो जो है आपके पास में पेट्रोल ना हो क्या आप ऐसी चीजों मतलब सन नहीं है आप ऐसे सारे इन चीजों के अलावा अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो जैसे सन ना हो तो क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर पाओगे कैसी लाइफ होगी पूरा जो है मतलब क्लाइमेट क्लाइमेट में जो जो है है कोल्ड टाइप हो जाएगा आपको कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी आपके पास में जो है लाइट नहीं होगी एक्सेक्टा बहुत सारी चीजें है ना मैंने यही आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि ये चीज आप जानते हो आप बड़े हो गए हो अब है ना मतलब हायर क्लासेस में आ चुके हो सो so, अब फ्यूल्स हैं पेट्रोल खत्म हो रहा है ये तो हम अक्सर हेडलाइंस में देखते हैं न्यूज़पेपर में कि जो है पेट्रोल की बहुत ज्यादा जो है यूज हो रहा है पेट्रोल के रेट आप देखो कितने ज्यादा होते चले जा रहे हैं क्यों महंगा हो रहा है पेट्रोल कभी सोचा है इस बारे में सुना तो है हेडलाइंस में देखा तो है कि आज पेट्रोल इतना हो गया आज पेट्रोल का रेट इतना हो गया डीजल का रेट इतना हो चुका है क्यों क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है डिमांड जो हो चुकी है पेट्रोल की हम एग्जाम्पल सिर्फ पेट्रोल का ही लें वो बहुत ज्यादा है और वहीं हम बात करें सप्लाई की तो सप्लाई बहुत कम ऐसा क्यों क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप जैसे करो एक दिन पूरा पेट्रोल जो है अर्थ से खत्म हो जाएगा तो क्या आप जो है व्हीकल्स को यूज कर पाओगे चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लग गए हैं एक उसके जो है मतलब हम सब्सटीट्यूट लेके आ चुके हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो लोग कैसे चलेंगे बट स्टिल पीपल प्रेफर पेट्रोलियम व्हीकल्स ओके सो अब जो है डिमांड बहुत ज्यादा है सब जगह जो है एक मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में कैपिटलिज्म स्पेशली हम बात करें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है तो कैसे जो है किस एक चीज की बात होने लगी है पर्सनल ऑटोमोबाइल्स की या प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स अपने आपके पास में होने चाहिए। जैसे मैं आपको अपनी खुद की बाइक से अपनी गाड़ी से अपनी स्कूटी से चले जाऊं या चला जाऊं ठीक है आप क्या है ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अब यह यहाँ पर कन्वीनियंट है अपने पास में है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतना ज्यादा कन्वीनियंस नहीं होता सो so अल्टीमेटली अब सभी के पास में आज के टाइम में पर्सनल व्हीकल्स होते हैं एक ही घर में दो दो तीन तीन होते हैं मान लो कि जो पापा होंगे उनके लिए अलग व्हीकल है जो भैया होंगे उनके लिए अलग है दीदी है उनके लिए अलग अलग व्हीकल व्हीकल आपका अपना खुद का इवन यहां तक आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास में भी होने लगे ठीक है तो क्या हो गया है कि पेट्रोल की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन उतनी सप्लाई नहीं तो रेट क्या हो गया रेट बढ़ गया और आप हेडलाइंस में अक्सर सुनते हो कि ये जो सारे रिसोर्सेज है ये डिप्लीट होते चले जा रहे हैं बट स्टिल जो वॉटर और लैंड का डिप्लीशन है जो वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है दैट इज इवन मोर रैपिड मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन ये और तेजी से चल रहा है बहुत तेजी से हम वाटर रिसोर्सेज को अपने लैंड रिसोर्सेज को जो है क्या कर रहे हैं डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जा रहे हैं कम हो रहे हैं खत्म होते चले जा रहे हैं

ग्रीन रिवॉल्यूशन में टारगेट पर कौन कौन से क्रॉप है तो एक वीट और एक राइस इन दोनों को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारा इरिगेशन रिक्वायर्ड होता था मतलब हमको बहुत सारा पानी चाहिए इन शॉर्ट पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ्लरिश होता है मतलब सबसे ज़्यादा जो है इन रीजन्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमको जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ये स्टेट्स व्हीट और राइस में जो है फूड ग्रीन प्रोडक्शन में जो है आ, बहुत सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं यहाँ पर अब सबसे ज्यादा क्योंकि सेल्फ सफिशियंट हुए फ्लरिश हुए मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने यहाँ बहुत बढ़िया जो है काम किया मतलब इरिगेशन बहुत ज्यादा लगा और इन लोगों ने इतना ज्यादा इरिगेशन मतलब इतना ज्यादा वाटर को जो है यूज किया ग्राउंड वाटर को कि आज इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रेपिडली डिक्लाइन हो रहा है बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है एक तरफ देखने को क्या मिलता है कि कि रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन में से, अ, सेल्फ हो गया है इंडिया मतलब हमने जो है एक तरीके से नेचर को यू, किस तरह से जो है हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे जो भी करके एग्रीकल्चर फार्म के थ्रू हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशियंट हो गए हमने नेचर को भी हार्म किया और साथ ही साथ में ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या क्या रिपोर्क्यूशन होते हैं वो सारा कुछ आपको ट्वेल्थ क्लास में जानने को मिलेगा सो इन शॉर्ट आप हमने जो है मतलब यहां पर आप या मैं ऐसी बात नहीं हो रही है इन जनरल हम बोल रहे हैं सभी ह्यूमंस सभी ह्यूमंस के एक्शन से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो चुका है रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं हम इतना ज्यादा वाटर को यूज कर रहे हैं अननेसेसरी यूज कर रहे हैं अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं

इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है रिसोर्सेज तो सभी रिक्वायर्ड बट स्पेशली अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो जो होते हैं इवन एक तक खाली होते चले जा रहे हैं aquifiers कैसे देखो अगर आपको ये यहाँ पर जो इमेज लगा है वो दिख रहा है भले आपको वर्ड्स नहीं दिख रहे बट इमेज अगर आपको दिख रहा है तो आप देखो ये वाटर टेबल होता है सबसे ऊपर ठीक है फिर इसके बाद में धीरे धीरे धीरे-धीरे नीचे जाते-जाते जो है ये aquifier होने मतलब ही तो दो मतलब हमने कितना ज्यादा एक्सप्लाइटेशन किया है हमारे वाटर रिसोर्सिस का और ये सारी चीजें क्यों क्योंकि जितनी तेजी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उतनी तेजी से जो है रिसोर्सिस को हम खत्म करते हुए चले जा रहे हैं और ये सब कुछ डेवलपमेंट के मतलब उसमें हो रहा है आप लैंड को जो है अनलिमिटेड यूज कर रहे हो आप रिसोर्सिस को जो है पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हो देखो आपको याद होगा ना कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था तो कैसे उन्होंने अनलिमिटेड एक्सप्लाइटेशन किया था इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो सोने की चिड़िया को लूट के कौन ले गए तो अंग्रेज लूट के ले गए क्यों क्योंकि हमारे यहां पर जितने भी रिसोर्सेज थे पूरे रिसोर्सेज लिए उनने और कहा ले गए ब्रिटेन में ले गए उनसे सारा कुछ जो है प्रॉफिट अर्न किया सो so, इस तरीके से वो जो एक्सप्लाइटेशन चला आ रहा है वो अभी तक चला हुआ आ रहा है रिवर्स हैव ऑल्सो बीन डैम्ब एंड डाइवर्टेड कॉजिंग इन रिवर्सिबल डू द इकोलॉजी क्या हुआ कि रिवर का जो एक मतलब डायरेक्शन होता है ना हमने उसे ही चेंज कर दिया अपने कम्फर्ट के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट करना इसके साथ में जो है आ, मतलब वॉटर रिवर्स uh, के जो बेसन है उनको हर्ट करना अल्टीमेटली होता क्या इससे पूरी इकोलॉजी अफेक्ट होती है क्या आपने अपने डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें तो कर ली बट अल्टीमेटली होगा ये कि ये सारी चीजों को इम्पेक्ट होने वाला है एक एग्जाम्पल दो चिपको मूवमेंट का

यहाँ पर जो विलेजर्स रहते थे वो सभी आए उन्होंने जो है इन जितने भी ट्रीज थे यहाँ पर उनको हक करके रखा कि आपको अगर ट्री को कट करना है तो आप पहले हमें कट करो इन सारी चीजों से होता यह है कि वहां पर जो है मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है खत्म कर दिया जाता है उस प्लान को रोक दिया जाता है और अल्टीमेटली फॉरेस्ट को बचा लिया जाता है क्यों क्योंकि कल को ये फॉरेस्ट को यहाँ से पूरा कट कर दिया जाता और यहाँ पर मान लो कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री कल को जो भी चीज लगती ठीक है तो इससे क्या होता पूरी इकोलॉजी जो है इस एरिया की वो अफेक्ट होती कल को कोई रिवर मतलब कोई जो है मान लो फ्लड आ जाता है तो वो फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर डेवलपमेंट से जो इकोलॉजी है वो अफेक्ट होती है डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी इकोलॉजी अफेक्ट होती है मैनी वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाल ड्रेनेज ऑफ द लैंडस्केप बहुत सारी वाटर बॉडीज जो की अर्बन एरियाज में थी उनको क्या कर दिया फिलअप कर दिया मतलब जहां पर भी कोई वाटर बॉडी थी तो उसको क्या कर दिया उस पूरे एरिया को फिलअप कर दिया उसको पूरा भर दिया जिस और यहाँ पर क्या कर दिया कोई डेवलपमेंट कर दिया मान लो बिल्डिंग्स बना दी यहाँ पर कोई फैक्ट्री बना दी कोई इंडस्ट्री बना दी अब यहां पर जो एक नेचुरल ड्रेनेज का पूरा प्रोसेस था कि कैसे जो है रिवर्स फ्लो होंगी कहां से ड्रेनेज वगैरह जो भी सारा सिस्टम था उसको क्या कर दिया उसको आपने बंद कर दिया आपने नेचुरल ड्रेनेज को बंद कर दिया कल को यहां पर हैवी फ्लड्स आने लग जाएंगे अल्टीमेटली कौन अफेक्ट होगा सोसाइटी एंड ओके सो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कैसे जो है रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग जाते लाइक ग्राउंड वाटर टॉप साइड टॉप साइल टू इज क्रिएटेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स

क्योंकि हम इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं इस कारणों से इन सभी कारणों की वजह से ये जो टॉप सॉइल है इसका इरोजन हो रहा है वाटर जो है वो लॉग हो जा रहा है सेलिनेशन हमको देखने को मिल रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज इन अदर अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ टॉप सॉइल जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें किस एक चीज की रिक्वायरमेंट होती? होती, होती है ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ईटो की रिक्वायरमेंट होती है ये एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से टॉप सॉइल जो है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं नष्ट कर दे रहे हैं बायोडाइवर्सिटी द एक्सपेंशन ऑफ एरियाज अंडर एग्रीकल्चर ये जो बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया ग्रासलैंड हो गया वेटलैंड हो गया सुना होगा पड़ा भी होगा आपने ये सारी चीजें भी जो है डिप्लीट होती चली जा रही है क्योंकि क्या हो रहा है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया जा रहा है एरिया जो है उसको Spend किया जा रहा है आज के टाइम में जो भी जहां भी खाली एरिया मिलता है वहां पर डेवलपमेंट हो जाता है बिल्डिंग्स बना दी मल्टी बना दी क्यों पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही कहां रहेंगे लोग अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है ओवर पॉपुलेशन होती चली जा रही है इतने सारे लोग हैं लेकिन एरिया जो कम है तो क्या करते फॉरेस्ट को काट काट के सारा डिफॉरेस्टेशन कर करके वहां मल्टी बना देते हैं कल को इकोलॉजी तो अफेक्ट हो ही रही है साथ ही साथ में मान लो कल को फ्लड आ गया कोई जो है नेचुरल डिजास्टर नेचुरल हो गई उसको कैसे रोकेंगे हम so these are the major environmental problems and risk now though various parts of the globe including some parts of india appear to have seen some reforestation or increase in vegetative cover in recent decades the overall trend is towards the loss of biodiversity the shrinking of these habitats has endangered many species several of them unique to india धीरे धीरे ग्लोब में जब हमको समझ में आने लग गई कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी सारी समस्याएं आएंगी कल को हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जाएंगे तो क्योंकि सारी चीजें जरूरी हैं अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं करोगे तो लोग कहां रहेंगे डिफॉरेस्टेशन करोगे तो इकोलॉजी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम हमको समझ आने लगी तो आपने भी बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे और आपने ये किया भी होगा कि ट्री मतलब जो है प्लांट्स लगाओ ठीक है रिफॉरेस्टेशन करो दोबारा से जो है आप किसी को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो आप उसे प्लांट गिफ्ट करो ताकि वो उसे कल को लगाए तो क्या होगा कि उससे उसको फ्रेश एयर मिलेगी उसको ऑक्सीजन मिलेगी वाटर को सेव करो बेफालतू में आपको टैप को जो है नहीं चलाना है आपको वाटर को जो है वेस्ट नहीं करना है वाटर में आपको किसी तरीके का कोई जो है गार्बेज नहीं थ्रो करना से है ना ये सारी चीजें हमने सुनी धीरे धीरे ये हुआ कि रिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया लोगों ने इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर रिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो रहा है जहां पर हम पूरा वेजिटेटिव कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड्स को स्टडी करें तो आज भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ही हमको देखने को मिलता है इन सभी हैबिटेट्स में जिन्हें कट किया गया फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज होते हैं एनडेंजर्ड बहुत सारे ऐसे स्पेशीज होते हैं जो कि एंडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं मतलब कि वो खत्म चले जा रहे हैं आपने देखा होगा कि टाइगर्स को लेके जो है मतलब एक तरीके का मूवमेंट चला कि सेव टाइगर्स जहां पर हमको टाइगर्स को जो है प्रोटेक्ट करना है क्यों क्योंकि धीरे धीरे उनका जो नंबर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज में सुना भी होगा क्या होता है कि जो टाइगर्स वगैरह होते हैं लायंस होते हैं ये क्या करते हैं लोकल एरियाज में आ जाते हैं मतलब जहां पर पीपल रह रहे हैं उन एरियाज में आना शुरू कर देते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो उनका घर है उसको तो उन्होंने काट दिया कहाँ रहते हैं लायंस रहते हैं टाइगर्स रहते हैं कहाँ रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है और ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा एरिया है जहाँ पर पीपल रह रहे हैं रिहेबिलिटेशन टाइप, मतलब मान लेते हैं ना कौन सा एरिया है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं अब मान लो आपसे आपका घर छीन लिया जाए तो आप कहाँ जाओगे इन सर्च ऑफ कहीं तो भी जाओगे कहीं तो भी घूमोगे ही वैसे ही यहाँ पर इस फॉरेस्ट को पूरा कट कर दिया तो अब बेचारे लायंस टाइगर्स कहाँ रहेंगे तो वो क्या करते हैं जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं उन एरियाज में आ, मतलब घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाते हैं तो आपने उनका घर उनसे छीन लिया तो वो तो फिर आपके घर में आएंगे ही तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे स्पेशीज हैबिटेट्स हैं जो इनडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं है, तो हमको ध्यान देना है इन सारी चीजों की तरफ अब आप तो नहीं चाहते हो ना कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी सारी फेस करनी पड़े तो आपको क्या सेव करके रखना है क्लियर है एयर सॉरी पोल्यूशन इसके अंदर हम एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन को स्टडी करने वाले एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन पॉल्यूशन के अंदर पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ दिरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एनवाइ एंड अगर हम इन सारी चीजों को कर्ब नहीं कर पाए तो अब कैसे देखो नाम से तो पता है एयर पोल्यूशन मतलब एयर में पॉल्यूशन हो रहा है नॉइस पॉल्यूशन मतलब नॉइज हो रहा है वॉटर पॉल्यूशन वॉटर बॉडीज को हम जो है पॉल्यूट कर रहे हैं नाम से तो समझ में आता है बट एक्जेक्टली सारी चीजें हो कैसे रही है सो एयर पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम In urban and rural areas, causing respiratory and other problems which result in serious illness and death. तो जो एयर पॉल्यूशन है उसको रूरल एरियाज में स्पेशली और साथ ही साथ में अर्बन सॉरी एरियाज में स्पेशली और साथ ही साथ में रूरल एरियाज में भी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है जिसके होने से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तक हो जाती हैं किसी किसी को बहुत ही सीरियस इलनेस और साथ ही साथ में डेथ तक हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स एज वेल एज बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल फॉर डोमेस्टिक यूज क्या कारण होते हैं एयर पॉल्यूशन के तो एक जो इंडस्ट्रीज से और जो व्हीकल्स से एमिशंस हो रहे हैं एक वो दूसरा जो वुड या कोल को बर्न करने से जो एमिशन हो रहे हैं जो कि डोमेस्टिक यूज में होते हैं आप लोग कभी अपने गांव वगैरह गए हुए हो कभी विलेजेस में गए हो किसी रूरल एरिया में गए हो आपने देखा होगा कि वहां पर जो लेडीज होती हैं जो वुमेन होती हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं ठीक है थीके? जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है चूल्हा कहा जाता है उसमें लकड़ियां लगा के जो कोल है उसको यूज करके काउडंग वगैरह को यूज करके फिर उसको जलाया जाता है फिर उस पर खाना बनता है खाने में तो हमें वो खाना बहुत टेस्टी लगता है लेकिन उससे जो एमिशंस हो रहे हैं उससे जो भी पूरा मतलब उससे जो वो एयर फॉक जो स्मोक जो निकलती है

ये सारी चीजें तो देख के हमको ऐसे लगता है मतलब एयर पोल्यूशन ध्यान में आता है तो बस वो एक सीन सभी के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं जा रहे हैं उनमें से जो भी धुआं निकल रहा है दैट इज द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट इज वन ऑफ द कॉज बट इसके साथ साथ में जो इंडोर पॉल्यूशन है ये आपने शायद टर्म पहली बार सुना हो नहीं भी सुना मतलब पहले भी सुना हो सो ये जो चीज है इंडोर पॉल्यूशन जो डोमेस्टिक यूज में जो घर से हो रही है पॉल्यूशन वो एक बहुत ही सीरियस कॉज है वो मतलब वो एक जो चीज है दैट इज ऑल्सो सीरियस Of risk, जो पॉल्यूशन से, से, होता है कुकिंग स्पेशली रूरल होम्स में क्या होता है कि लकड़ियों को यूज किया जाता है हरी या जो पुअरली बर्निंग वुड होता है उसको यूज किया जाता है और ये क्या होता है जो चूल्हा वगैरह होता है मतलब एक तो देखो रूरल एरियाज में सबसे पहले अगर बहुत पहले से हम बात करें तो पहले पक्के घर नहीं होते थे ठीक है अब वहां पर जो है वुमेन रही हैं साथ ही साथ में अपने अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना किचन सेट कर लिया है वहीं पर चूल्हा जो है जल रहा है वहीं पर वो बेचारी बैठी है खाना बना रही है वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है मतलब जो है ओपन एरिया भी नहीं कि जहां जो ये सारी चीजें जा सके। आप कभी जाओ कभी आप मतलब विलेजेस में गए होंगे आपने देखा भी होगा कभी अगर जाने का फिर से दोबारा मौका मिले तो जो है आपके यहाँ पर अगर छत वगैरह है या किसी टॉप एरिया पे, आप जाके खड़े हो जाना नीचे भी खड़े रहोगे तो भी आपको दिखेगा सुबह के टाइम पे मतलब जब सबके घर में चूल्हे जल जाते हैं वहां तो बहुत मतलब लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होती है अर्बन लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है तो आपको देखोगे कि आपको जो पूरा एरिया है पूरा रीजन है वहां पर धुआं 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 धुआ जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्मोक देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि सबके घर में चूल्हे जल जाते हैं और सब किसे जला रहे हैं ये जो है वुड को यूज कर रहे हैं कोल को यूज कर रहे हैं साथ ही साथ में जो है काउडंग को यूज कर रहे हैं इससे जो धुआं निकल रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन भी क्योंकि नहीं होती है सो इसकी वजह से जो रूरल वुमेन है जो स्पेशली खाना बनाती है वो बहुत सीरियस रिस्क पर हैं अगर हम एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखें जो कि 2012 में आई थी तो 7 मिलियन पीपल जो हैं दे आर डाइड वन इन एट टोटल ग्लोब डेथ इज रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर मतलब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 में करीब 7 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है और ये डेथ किस लिए हो रही है सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से आज भी बहुत से लोगों को ऐसे बहुत सारे सीरियस इश्यूज होते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा अस्थमा वगैरह होना आज भी बहुत सारे लोग हैं मतलब पहले जो एक एग्जांपल दे रही हूँ पहले जब दिवाली मनाई जाती थी तो बहुत सारे जो है पटाखे यूज किए जाते थे बहुत मतलब धूमधाम से हर एक चीज आज भी मनाई जाती है लेकिन आज दिवाली से पहले एक रेगुलेशन आ जाता है कोर्ट से कि आपको जो है ग्रीन क्रैकर्स को यूज करना है आपको दूसरे पटाखे नहीं चलाने हैं क्या कारण है ज्यादा से ज्यादा आप पॉल्यूशन अल्टीमेटली आपकी हेल्थ उसमें अफेक्ट होने वाली है क्लियर है so, इस तरह से जो है मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है और जैसा कि हम डेटा देखते हुए चल रहे हैं नेक्स्ट दिस फाइंडिंग मोर देन डबल्स प्रीवियस एस्टिमेट्स एंड कंफर्म्स दैट एयर पॉल्यूशन इज ना दर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क और ये जो सारी फाइंडिंग्स है चाहे डब्ल्यू एच ओ की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या इन शॉर्ट ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एयर पॉल्यूशन अब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट और सिंगलेस्ट इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क बन चुकी है रिड्यूसिंग एयर एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन कुड सेव मिलियंस ऑफ अगर हम air pollution को कंट्रोल कर लेते हैं तो ना जाने हम कितनी लाइफ को सेव कर सकते हैं आपने सुना होगा दिल्ली में जो एक् है दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स वो कितना ज्यादा जो है मतलब खराब हो चुका है खराब इन देंस कि दिल्ली की एयर सबसे 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 ज्यादा पॉल्यूटेड है

होता क्या है कि दिल्ली के पीपल की हेल्थ रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है मतलब पूरे इंडिया में इवन पूरे वर्ल्ड में है और ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं तो अगर आप सोचो हम एयर पोल्यूशन को कम कर लें तो हम कितने सारे लाइफ्स को जो है बचा सकते हैं यहां सिर्फ क्रैकर्स ही एक वो नहीं है मतलब मतलब सिर्फ एक क्रैकर्स को ही हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करें ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी ना दिस इज इनेबल्ड साइंटिस्ट टू मेक अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हेल्थ रिस्क फ्रॉम अ वाइडर डेमोग्राफिक स्प्रेड दैट नाउ इंक्लूड्स रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया और ये एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क को देखते हुए अब साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारे ऐसे डिटेल एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे हम हेल्थ रिस्क को कम कर सकते हैं कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज में हो रही है 2012 का जो डेटा था उसमें 3.3 मिलियन डेथ्स इंडोर एयर पोल्यूशन से हुई थी और 2.6 मिलियन डेथ आउटडोर एयर पोल्यूशन से हुई थी मतलब कि जो डोमेस्टिक या जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो सबसे मेजर कॉज हमें उसे खत्म करना चाहिए तो अक्सर अभी आपने अगर आप लोग बहुत एक्टिव होते हैं पॉलिटिकली भी सोशली भी न्यूज वगैरह रीड करते हैं तो आपको पता होगा कि जो अभी गवर्नमेंट है मतलब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया कि रूरल एरियाज में उन्होंने गैस सिलेंडर्स एलपीजी जो है उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने स्टार्ट करी कि कैसे जो है हम इसको कंट्रोल कर सके सो so, ऐसे गवर्नमेंट अक्सर स्टेप्स वगैरह जो है लेती रहती है क्लियर है आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा द नेक्स्ट है वाटर पल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्लियर है रिसोर्सेज डिप्लीशन क्लियर है नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन पर हम आ जाए सो इट इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस इशू अफेक्टिंग सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर वाटर पॉल्यूशन एक बहुत सीरियस इशू है जहां पर सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं मतलब जो वॉटर आपको ऊपर दिख रहा है वो भी और जो जमीन के अंदर है वॉटर वो भी मेजर सोर्सेस इंक्लूड नॉट ओनली डोमेस्टिक सीवेज एंड फैक्ट्री एफ बट ऑल्सो द रन ऑफ फ्रॉम फार्म लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज वाटर पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक जो सीवेज है या फिर जो फैक्ट्री वगैरह से जो एफ्लुएंस नहीं है बल्कि साथ ही साथ में जो फार्म्स हैं पर फार्मिंग होती है वहां से जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आजकल जो हम यूज करने लगे हैं एग्रीकल्चर में उसके डिस्चार्ज से भी हो रहा है मतलब कि ओवरऑल हर एक चीज से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एंड द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भाई मैं आपसे कह रही थी जस्ट सपोज इमेजिन करो ऐसी लाइफ जहां वाटर ही ना हो कैसे सरवाइव कर पाओगे आप अगर सारे वाटर रिसोर्सेस को जो है मतलब पोल्यूटेड कर दोगे तो आपको मतलब मतलब यूज के लिए तो छोड़ ही दो आपको पीने को भी पानी नहीं मिलेगा तो इसीलिए इस वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी आपका ही काम है आप किस किस तरीकों से जो है वाटर को सेव कर सकते हो अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इतने सारे वाटर रिसोर्सेज हैं इतने सारे लोग जो है वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एक के करने से क्या होगा आप सोचो अगर ये एक एक के करने से जो है हम कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज लेके आ सकते हैं इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में तो वो हमारे लिए कितना ज्यादा अफेक्टिव होने वाला है सो आप किस तरह से वाटर को सेव कर सकते हो आपको जो है टैप ओपन करके नहीं रखना आपको बेफालतू

में रखो आप हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो लेकिन कहां पर कितनी चीज को हमें यूज करना है ये कौन ध्यान रखेगा ये आप ध्यान रखोगे और अगर आप मतलब एक ही पर्सन अगर चेंज लेके आने के बारे में सोच भी लेना तो बहुत बड़ा चेंज हमको सोसाइटी में देखने को मिलेगा क्योंकि सोसाइटी किससे मिलके बनी है हर एक इंडिविजुअल से ओके सो so, आपको क्या करना है आप कैसे वाटर रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं आप उसको गंदा ना करो आप उसको पॉल्यूट ना करो आप उसमें गार्बेज थ्रो मत करो आप कैसे अपने घर में भी जो है वाटर को सेव कर सकते हो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपको पानी पीना था आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और आपको थोड़ा से ही मतलब थोड़ी ही प्यास थी आपको तो आपने थोड़ा सा ही पानी पिया बाकी आप क्या करते हो सिंक में फेंक देते हो क्यों ना हमें जितना पानी पीना है हम उतना ही ग्लास में लें बाकी उस पानी को अगर मान लो बच भी रहा है तो हम उसको पेड़ों में डाल दें ठीक है प्लांट्स वगैरह में ट्रीज में हम उसको जो है यूज कर लें सो so, आप इस तरह से भी बचा सकते हो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बट जस्ट इन केस की हम पढ़ रहे हैं कि मेजर इन्वाटल प्रॉब्लम्स है रिस्क पर है हम सभी तो क्यों ना आज ही से स्टेप लेना स्टार्ट करें नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन सो सिटीज सिटी सफर फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर इन मेनी सिटीज सिटीज में बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है स्पेशली सिटीज़ हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा कंजेशन होता है यहाँ पर अर्बनाइजेशन uh, की वजह से हमने देखा कि ज्यादातर लोग अपने रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आकर रहने लगे हैं जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है नॉइस पोल्यूशन यहां पर होता है जिसकी वजह से बहुत बार कोर्ट ऑर्डर्स भी आते हैं इन सारी चीजों को लेके यहाँ पर एम्पलीफाइड लाउड स्पीकर्स को यूज करना रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स में पॉलिटिकल कैंपेन्स में वहीकल के हॉर्न हो गए ट्रैफिक लग जाना जिसमें भी बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है कंस्ट्रक्शन वर्क होना तो इन सारी चीजें आपके नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आती हैं और इसके लेके बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स भी निकलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जहां भी रहते हो जैसे मैं ही रहती हूँ तो मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां पर अक्सर जो है मतलब कंस्ट्रक्ट्री चलता रहता है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब आवाजें आती रहती तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो आपको इतने टाइम पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे लोग भी अफेक्ट ना हो ऐसे अक्सर ऑर्डर आते रहते हैं तो नॉइज पॉल्यूशन भी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है आप बोलोगे कि इसकी वजह से मेजर इन्वायरमेंट को कैसे हो रहा है आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि इस नॉइस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेफ हो चुके हैं मतलब उनकी सुनने की कैपेबिलिटी जो है वो जा चुकी है अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इवन छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ऊंचा सुनते हैं मतलब तेज सुनते हैं तेज बोलोगे तब उनको समझ में आएगा तो इसका कारण क्या है कि उनके जो ईयर ड्रम्स वगैरह में प्रॉब्लम आ चुकी है इतना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन की वजह से अक्सर ईयरफोन्स लगाने पर भी मना किया जाता है है ना सो so ये सारे इन्हीं के कारणों मतलब ये सारे इसी रीजन के अंदर आते हैं सभी उसी के सोर्सेज हैं और ये सारे मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो अभी तक हमने रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन को जो है डिस्कस किया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग विच इज वन ऑफ द वेरी हीटेड टॉपिक्स ओके अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में द रिलीज ऑफ पर्टिकुलर गैसेज लाइक कार्बन कार्बन डिऑक्साइड मिथेन एंड अदर्स क्रिएटेड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द सन हीट एंड नॉट अलाउंग इट टू डिसिपेट कुछ पर्टिकुलर गैसेज होती हैं जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना लेती हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है और कुछ गैसेज जो हैं यहाँ पर ऐसा पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट बना लेती हैं और ये क्या करती हैं सन की जो मतलब सन की जो एनर्जी होती है सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं और यहाँ से जो भी बाहर एमिट हो रही होती होती है, जो भी गैसेस होती हैं, उसको एमिट नहीं जो भी होता है जो ग्लोब का टेम्परेचर है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सन की हीट आ रही है बाकी जो चीजें एमिट होनी चाहिए जो भी गैसेज वो एमिट नहीं हो पा रही है तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है दिस हैज कॉज्ड अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा एकदम से तो नहीं होने लगता पर धीरे धीरे करके ग्लोबल ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है द रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज इज प्रोजेक्टेड टू मेल्ट पोलर आइस फील्ड्स एंड रेज द सी लेवल द सबमर्जिंग लो लाइंग कोस्टल एरियाज एंड मोर इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ये अब जो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है इससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ग्लोब गर्म होता जाएगा तो जो वहां का क्लाइमेट है वो जो है मतलब चेंज होने लगेगा अब जैसे कि जो आपके पोलर आइस फील्ड्स होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं मतलब जो भी जहां पर भी बर्फ वगैरह होती है ठीक है मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको अच्छे से समझना है हर एक चीज को जानते तो आप सब ग्लोबल वार्मिंग भी जानते हो और मेल्ट कैसे हो रहे हैं पोलर आइस फील्ड्स ये भी जानते हो कैसे सी का लेवल राइज हो रहा है ये भी जानते हो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट इसे सुन रहा है उस हर एक स्टूडेंट को ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए टॉपर को भी एवरेज स्टूडेंट को भी और बैक बेंचर को भी क्लियर है सो देखो क्या हो रहा है अब ग्लोब का टेम्पेचर बढ़ रहा है तो हमारे भी बर्फ है वो सब क्या होगी पिघल जाएगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी फ्रिज है और लाइट चलेगी किसी दिन इन्वर्टर भी नहीं लगा तो क्या होता है आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है ना जो भी ठंडी चीज होती है वो पिघल जाती है यहाँ पे सेम चीज हो रही है जो पोलर आइज है वो मेल्ट होती चली जा रही है जिसकी वजह से जो पोलर पूरा मतलब उनका जो पूरा हैबिटेट है वो सबसे पहले तो अफेक्ट हो रहा है इकोलॉजी को अफेक्ट हो रहा है दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है कि साथ ही साथ में जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है पूरा स्नो एरिया है या पूरी यहाँ पर आइस जमी हुई है ये यहाँ पर जो है सी वगैरह है तो अब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा ये पूरा जो है मेल्ट हो गया तो इससे क्या होगा सी लेवल बढ़ जाएगा सी लेवल बढ़ने से जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो सब हो जाते हैं इंडिया का मैप देखा है ना आपने जो इंडिया का पेनिनसुला है तो यहाँ जितने भी एरियाज़ हैं वो पूरे कोस्टल एरियाज़ कहलाते हैं यहाँ पूरे में सी है ठीक है अब यहां पर मान लो आइस है ये सब मेल्ट हो गई ये सब मेल्ट हो गई तो ये सब इधर पे कहा आ जाएगी पानी में आ जाएगी सी में आ जाएगी इससे क्या होगा सी का जो लेवल है वो रेज हो जाएगा सी का लेवल बढ़ेगा तो ये सी जो है कोस्टल एरियाज में जितने भी एरियाज हैं सिटीज हैं ह्यूमन रह रहे हैं उन सभी को अपने अंदर ले लेगी ले सब मर्ज हो जाएगी इससे ना केवल ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है बल्कि जो पूरी इकोलॉजी है वो इकोलॉजी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लग जाती है क्लियर है सो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है दैट इज इज्सो अफेक्टिंग फ्रॉम दिस एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो लाइकली टू रिजल्ट इन ग्रेटर फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटी इन क्लाइमेट अक्रॉस दी वर्ल्ड और यह जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रही है जो पूरा क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड का वो चेंज होता चला जा रहा है ना केवल ये एक चीज है कि आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज हो जाएगा टेम्परेचर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि सस्टेन करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है जहां पर कोल्ड क्लाइमेट्स होते थे वहां का टेम्परेचर हॉट हो होने लग गया है तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जहां पर भी जैसा भी इन्वामेंट होता है वहां के लोग उसी तरीके से जो है अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं लेकिन आप देखोगे की जैसे जैसे ये सारी चीजें चेंज होती चली जाएंगी तो पूरा ग्लोब जो है इन सारी चीजों से अफेक्ट होगा जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा जस्ट सपोज की ठंड ही ना आए कभी और पूरे जो ट्वेल्व होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही पड़े तो आप इमेजिन कर पाओगे कैसा लगेगा आपको क्या ये पूरा जो एक मतलब रोटेशन जो पूरा चल रहा है क्या ये मतलब कैसे सारी चीजें हो पाएंगी अगर सिर्फ गर्मी गर्मी हो कभी बरसात ही ना आए तो मतलब कभी मानसून ही ना आए कभी विंटर ही ना आए सिर्फ और सिर्फ आपको हॉट क्लाइमेट में ही रहना है सिर्फ समर ही चलता रहेगा तो आपको पता है ना कितनी ज्यादा लाइफ चेंज होगी क्या पूरी इकोलॉजी सस्टेन कर पाएगी नहीं तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा वर्ल्ड पूरा ग्लोब जो है वो सफर कर रहा है चाइना एंड इंडिया आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू वर्ल्ड कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए वो जो मेजर गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही हैं हमें उसे कंट्रोल करना है बट देखने को ये मिलता है कि इंडिया और चाइना सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कार्बन और ग्रीन हाउस गैस अमीशंस में जिसकी वजह से ये पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बन रहा है तो हमें उसे कंट्रोल करना है और ये सारी चीजें कैसे जादर जादर हो रही है आप ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लेशन करो हम क्या करते हैं हम इजी वे पर जाते हैं शॉर्टकट कैसे हम जो है शॉर्टकट के थ्रू सारी चीजें कंप्लीट कर ले इस स्मार्ट वर्क इज डिफरेंट थिंग शॉर्टकट इज डिफरेंट थिंग हम शॉर्टकट पे जाते हैं और जो है पूरा रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन चलता है इकोलॉजी को जो है पूरी तरह से अनसर्टेन कर देते हैं और फिर हम कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें इन्वायरमेंट सोसाइटी इकोलॉजी हर एक चीज का ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में हमें किसी तरीके के कोई नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को ना मिले सो ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इट इज एट रिस्क क्लियर है नेक्स्ट एंड दी लास्ट इज मतलब लास्ट तो नहीं लास्ट सेकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसे शॉर्ट में जी भी कहा जाता है अब क्या है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बीटी uh, कॉटन सुना है आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा नाम कभी पढ़ा होगा इसके बारे में और जिन लोगों को इसके बारे में पता है जिन भी स्टूडेंट्स को तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है अच्छा बीटी कॉटन का नाम मैंने क्यों लिया क्या होता है जीएमओ ये हम डिटेल में यहाँ समझेंगे सो इट इज बेसिकली न्यू टेक्निक्स ऑफ जीन एसप्लेसिंग अलाउ साइंटिस टू इम्पोर्ट जींस फ्रॉम वन स्पेशीज इंटू अनदर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पेशीज है उसमें से उसके जीन्स को लेना और किसी दूसरे स्पेशीज में ट्रांसफर कर देना जिसकी वजह से हम उस स्पेशीज में भी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकें जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिलियस थ्यूरिंग जीनिसज ये जो एक चीज़ होती है ये जो एक जीन्स होता है इसको कॉटन स्पेशीज़ में इंट्रोड्यूस किया मतलब इसके फीचर्स को हमने कॉटन स्पेशीज में जो है आ, मतलब डालना या इंसर्ट करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से कॉटन में बॉल या जो मेजर पेस्ट होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं लगती कॉटन को नुकसान नहीं होता कॉटन की डिमांड आपने देखा है कि जब वो एक पूरा इंडिया का इंडिपेंडेंस टाइम चल रहा था जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म मतलब उस एक टाइम की हम बात करें नाइनटीन हंड्रेड या एटीन हंड्रेड्स की तो हमने देखा कि कॉटन की डिमांड कितनी ज्यादा थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया नई नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई कॉटन की डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में बढ़ गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है सेटअप हो रही थी तो कॉटन में क्या होता था बॉल वॉम वगैरह लग जाते थे उसकी वजह से कॉटन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता था एक्सप्लाइट हो जाता था तो हमने क्या किया ये जो जींस थे इसको हमने इंट्रोड्यूस किया कॉटन स्पेश में जिसकी वजह से कॉटन जो है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाया और हम कॉटन की नीड को पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो है मैच कर पाए सो so, जिसे हम जानते हैं बीटी कॉटन के नाम से कि, कि किस तरह से हमने बीटी कॉटन में जीएमओ को इंट्रोड्यूस किया और फाइनली हमने जो है ज्यादा टाइम तक सरवाइव करने वाली और जिन्हें नुकसान नहीं होता था ऐसी स्पेशीज ऐसी सीड्स को प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिया और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स वगैरह में ही नहीं बल्कि साथ ही साथ में फूड में एनिमल्स में इनमें भी देखने को मिलेगी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ऑल्सो भी डन टू शॉर्ट ग्रोइंग टाइम इंक्रीज साइज एंड शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स जो पूरा प्रोडक्शन का टाइम होता है जो पूरा कल्टिवेशन का टाइम होता है जो पूरा ग्रोन टाइम होता है उसको कम करने के लिए ताकि हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें साइज को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में जो शेल्फ लाइफ होगी क्रॉप्स को उसको इंक्रीज करने के लिए हम जीएमओ को यूज करते हैं दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन सो मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेसिकली जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन किन चीजों के लिए यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज टू शॉर्टन द ग्रोन टाइम और द ग्रोइंग टाइम ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है जो भी डेटा मैं आपको बता रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम परपज से ठीक है इंक्रीज साइज एंड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप क्लियर है सो so, ये जो तीन मेजर आ, मैंने आपको बताए पॉइंट्स ये आपको ध्यान में रखने हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन बेसिकली किन चीजों के लिए यूज किया जाता है हाउ लिटिल इज नोन अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑन दोज ईट दीज फूड्स और ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम्स लेकिन जो भी इस फूड को ईट करते हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से होती है और जो भी सारा इकोलॉजिकल सिस्टम में चेंज आता है उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और अल्टीमेटली देखा यह गया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनको जो है लॉन्ग टाइम में दिक्कत मतलब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं साथ ही साथ में जैसे हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें नेचर की इकोलॉजी की बात करें सो so, उसे भी अफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है हम उसे नहीं होने दे रहे हैं हम कुछ अलग तरीके से जो है सारा कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसके भी एनवायरमेंट पर मेजर प्रॉब्लम्स और रिस्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क में नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स कुछ चीजें जो नेचुरल हो रही हैं और जो मैन मेड है ठीक है मतलब कि ह्यूमन एक्शन के थ्रू हमें देखने को मिल रही है और नेचर के थ्रू तो यहां हमने जितनी भी चीजों को डिस्कस करा दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैटेगरी कि जैसे हमने डिस्कस करा कि एयर पोल्यूशन है तो वो उसमें ह्यूमन्स भी इन्वॉल्व है वही हम बात करें जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो उसमें ह्यूमन्स भी इन्वॉल्व है वो मैन मेड भी है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल भी होती हैं जैसे भोपाल डिजास्टर है नाइनटीन का जिसमें एक टॉक्सिक गैस लीक हो गई यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से तो ये

क्लियर है आए यहाँ तक समझ में सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिस्क की कौन कौन सी चीजें होती हैं कैसे हम उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं कैसे जो है हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो एक दिन पूरी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस करेगी और ये भी कह सकते हैं कि एक दिन एंड ही हो जाने वाली है हम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं क्या पता वो नेक्स्ट जनरेशन आ पाए या नहीं आ पाए सो so, इतने अच्छे से जो ये सारी चीजें चल रही हैं हमने डेवलपमेंट का पाथ जो है उसको अडॉप्ट किया है हम डेवलपमेंट की बात करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो हमें क्या करना है कि आगे भी ऐसे प्लान्स ऐसे प्रोसेस मतलब के थ्रू आगे डेवलप होना है जिसमें हम अपने इन्वामेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाए बिकॉज जैसा कि स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूँ नेचर शेप सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप्स नेचर नेचर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे और अगर हम नहीं होंगे तो नेचर भी नहीं होगा मतलब अल्टीमेट कोई सर्वाइव नहीं कर सकता नेचुरल so, रिसोर्सेज को सेव तो कर करो ना जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें यूज करो ठीक है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें आप यूज करो ना कि उन्हें जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं कल को वो खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे लाइफ को इमेजिन कर पाओगे अब अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो पॉल्यूशन आप जब तक खुद से एक एक स्टेप नहीं लोगे तब तक पूरा चेंज नहीं आएगा मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए एक स्टेप ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो एक एक इंडिविजुअल भी स्टेप लेगा तो पूरी सोसाइटी में हमें एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे ग्लोबल वार्मिंग सो क्या करना है वही चीज की डेवलपमेंटल पाथ को कुछ इस तरह से अडॉप्ट करना है जहां शॉर्टकट ना हो बल्कि स्मार्ट वर्क हो और आप लॉन्ग टाइम की चीजों को सोच के काम करें साथ ही साथ में अगर हम मैन मेड या जो भी डिजास्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो कैसे हम उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे सोशल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे आई होप ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगी या आप हमारे नेक्स्ट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं क्लियर है कोई डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में बताना आई चीजें क्लियर हो गई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा अब एक चीज और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है सो so, देखो आपको सभी लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पर तो मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं प्लेलिस्ट में जाओगे सारे लेक्चर्स मिलेंगे बुक वाइज चैप्टर वाइज क्लास वाइज सब कुछ मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रिंस का ऐप चाहिए प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम सब जगह आपको मैग्नेट ब्रिन्स मिलने वाला है और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं ऐसा नहीं कि दो लेक्चर्स के बाद में जो है आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा ये कुछ भी नहीं है अब आपको सारे लेक्चर्स मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट पर देखना है तो जस्ट ब्राउजर में जाओ और एंटर करो डब्ल्यू जैसे ही एंटर करोगे मैग्नेट ब्रिन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर किन्डर

है, कुछ और देखना है यहां से कैंसिल कर दो so, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रीन की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उन्हें बताओ कि मैग्नेट ब्रीन का हिंदी मीडियम चैनल भी है That is Magnet Brains Hindi. सो so, इसे भी जो है यहाँ भी आपको सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोज मिलेंगे हिंदी मीडियम में और सीक्वेंस वाइज तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बस बढ़िया से आपको क्या करना है अपनी पढ़ाई करनी है सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सो आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच